Name the ruler who got inspired from French Revolution. 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, तो इसका मतलब उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, तो he got inspired from the ideas. That's why he revolted in our country against East India Company and he was killed in 1799 in the battle of Srirangapatna. मैं जैसा आपको उनकी हिस्ट्री बता रही हूँ ना, ठीक है. Name the social reformer who got inspired. राजा राम. तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो रूलर नहीं थे बच्चे, वो सोशल रिफॉर्मर थे. ये आपकी बुक की लास्ट की बॉक्स की इंफॉर्मेशन है. इट मीन्स यू हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स आल्सो. कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकती है, ठीक है. आगे आ जाइए. यस, पेज नंबर 23. दिस इज रिलेटेड विद द नेपोलियन बोनापार्ट. पिक्चर ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज, ठीक है. नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर है, तो रिकॉग्नाइज करना है कौन सा रूलर है, ठीक है. इसमें अब इंफॉर्मेशन पहले तो ईयर सिलेक्ट करो. अब आपने जब भी स्टडी करनी ना चैप्टर की, पेज वाइज आगे से करना है या पीछे से करना है, जैसे भी है, ठीक है. ईयर लिखते जाओ. 1804 क्या हुआ था? 1804 में क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर. नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर. देन किंग यानी कि एम्परर या डिक्टेटर बनते ही उसने क्या किया? ही इंप्लीमेंटेड सिविल कोड. ही इंप्लीमेंटेड सिविल कोड. सिविल कोड. अब इस सिविल कोड की प्रोविजंस क्या क्या थी? आपको कोई भी प्रोविजन आ सकती है, उनमें से कोई भी एक ऐसी आ सकती है जो उसने प्रोविजन नहीं की. ही एबॉलिश्ड फ्यूडलिज्म. ही सेफगार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी. ही इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ही इंप्रूव्ड डेसिमल सिस्टम, इंट्रोड्यूस डेसिमल सिस्टम इन द काउंटिंग. ही आल्सो इंप्रूव्ड वेटिंग एंड मेजर्स इन ऑल द एरियाज, ताकि सभी एरियाज में वेटिंग सिस्टम जो है वो इक्वल हो, ठीक है. एंड ही आल्सो अबॉलिश मेनी काइंड ऑफ ड्यूज फ्रॉम द फार्मर्स एंड बिजनेसमैन. एंड ऑल द बिजनेसमैन दे बिकेम वेरी हैप्पी with the coming of Napoleon Bonaparte. But some of the people they dislike. अब dislike के point क्या है? Number one, he increased taxation. उसने वही गलती की जो Louis XVI ने की थी. क्या किया था Louis XVI ने? Assembly बुलाई थी tax बढ़ाने के लिए, तो same इसने भी क्या किया? He increased taxes. Second, forced recruitment in the army. यानी कि लोगों को जबरदस्ती army join करने के लिए compel कर दिया गया. यानी कि हर फैमिली का एक मेंबर, मेल मेंबर जो है उसको आर्मी ज्वाइन करना जरूरी होगा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का नेचर जो था वो एक मिलिट्री नेचर था. एंड ही कीप ऑन अटेंडिंग अटैकिंग द नेबरिंग एरियाज ऑफ फ्रांस थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है. देन थर्ड, ही इम्पोज सेंसरशिप. सेंसरशिप ले आया. एंड ही आल्सो री इंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम. तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है. एंड देन ही गॉट डिफीटेड. कौन सा ईयर एंड विच कंट्रीज? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया. बैटल ऑफ वॉटरलू. ठीक है. बैटल ऑफ वॉटरलू वॉज फॉट बिटवीन नेपोलियन बोनापार्ट एंड दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया. PRUSSIA. प्रशिया. प्रशिया इज अ ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी. क्लियर? हाँ जी. अब आ जाओ पेज नंबर 22. पेज नंबर 22, रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ. ये जस्ट इसमें बताया गया है कि जब फ्रांस में 1789 के बाद लोगों को कुछ चेंजेस जो हैं सोसाइटी में चेंजेस मिले, उससे क्या फायदा हुआ. 1789 सेंसरशिप वाज रिमूव. 1789 में सेंसरशिप जो थी वो रिमूव कर दी गई. सेंसरशिप वाज रिमूव. अब हम बैक में स्टडी कर रहे हैं ना, पीछे
ठीक है, तो आपने इस तरह से लर्न करना है। 1789 सेंसरशिप वॉज रिमूव, लेकिन बाद में इसको किसने लगा दिया था फिर? नेपोलियन बोनापार्ट। और क्या लोगों को फ्रीडम मिली? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैनी पीपल दे स्टार्टेड लाइक राइटिंग न्यूज पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स, स्टोरीज, प्लेज एंड ये, लेकिन ये जो फ्रीडम थी ये कुछ ही ईयर्स के लिए थी, 1789, 1990, 1991, क्योंकि 1992 में फिर कौन सा रूल आ गया था? राइन ऑफ टेरर। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर 2-3 ईयर्स थे जब लोगों को काफी हद तक जो, हाँ जी बेटा ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 21, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, यू आर नॉट राइटिंग। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इसमें ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का मतलब होता है जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो अगर कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो कौन से कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व थे? यूरोप, अफ्रीका, देन इसके बाद लिखो कैरिबियन। कैरिबियन कहां पे है? अमेरिका। यूरोप, यस। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सेलर्स शिप में जो सेलर्स वो यूरोप से कहां आते थे? अफ्रीका। अफ्रीका में आकर यहां से स्लेव्स को खरीदा जाता था लाइक नीग्रोस, एंड उनको चेन्स में बांधकर शिप्स के द्वारा कहां पर लेकर जाते थे? कैरिबियन आइलैंड्स। अब ये कैरिबियन आइलैंड्स कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ज्वाइनिंग जो एरियाज हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड आइलैंड एरियाज। यहाँ पे क्या करवाया जाता था इन स्लेव से? प्लांटेशन एग्रीकल्चर लाइक कॉफी, शुगर, इंडिगो, ऐसी क्रॉप्स की डिमांड कहां पे थी? यूरोप में। ठीक है, सो एट दैट टाइम दीज 3 कॉन्टिनेंट्स वर इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ठीक है, अब हमने यूरोप, हम तो पढ़ रहे हैं यूरोप का चैप्टर फ्रांस, तो यूरोप में फ्रांस एक कंट्री है, तो फ्रांस के पोर्ट एरियाज आपको पता होने चाहिए। मैंने मैप सेंड किया था, बॉर्दे एंड नांते, क्या थे ये? पोर्ट एरियाज, यानी कि यूरोप, अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक सिटी है यूरोप में। फ्रांस में 2 पोर्ट्स बहुत फेमस थे, बॉर्दे एंड नांते। फ्रेंच सेलर्स, यानी कि यूरोप में फ्रांस में से जो फ्रेंच सेलर्स थे बॉर्दे एंड नांते, लुई 16 से पहले भी और लुई 16 के टाइम में भी ये लोग बॉर्दे एंड नांते से आते थे, जैसे मुंबई इंडिया, ठीक है, ऐसे ही दे ट्रेवल्ड फ्रॉम बॉर्दे एंड नांते, दे रीच अफ्रीकन एरियाज एंड यहाँ पे वो एजेंट्स, वहां पे एजेंट्स होते थे, उन एजेंट्स से उन लोगों को खरीदा जाता था, फिर उनको जंजीरों से बांधकर एज अ स्लेव्स बनाकर कैरिबियन आइलैंड में बेचा जाता था। उसके बाद ये सेलर्स अमेरिका में जो चीजें होती थी, जो वहां पे ग्रो की जाती थी, उनको आकर कहां बेचते थे? यूरोपियन मार्केट्स, एंड दे अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट्स, और इसको कहा गया ट्रायंगुलर स्लेव, इसको स्लेवरी सिस्टम कहते थे। स्लेव रीजन क्या था? क्योंकि यूरोप के लोग, यूरोप के जो लोग थे वो अमेरिका जाने को रेडी नहीं, यूरोप के लोग लेबर भी नहीं कर सकते थे, तो इनको क्या चाहिए थी? लेबर चाहिए थी, तो लेबर के लिए इनको कहाँ पे आना पड़ा? अमेरिका के कुछ आइलैंड्स जिनको बोलते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। अब कैरिबियन आइलैंड यूरोप का नहीं है, कैरिबियन आइलैंड फ्रांस का नहीं है, याद रखना। फ्रांस के अगर आइलैंड आपको पूछे जाएंगे तो आपने क्या बताना है? बॉर्दे एंड नांते। कैरिबियन कौन सा है, किसका है? अमेरिकन, अमेरिकन आइलैंड्स, ठीक है। सेलर्स, फ्रेंच सेलर्स, प्रोड्यूसर्स कह लो, या जो भी उस टाइम पर रिच मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। अब लुई 16 के बाद राइन ऑफ टेरर के टाइम पीरियड में जब मैक्सिमम रॉबेस्पियर का रूल आया, तो उसने कुछ देर के लिए स्लेवरी सिस्टम को क्या कर दिया? खत्म, अबॉलिश कर दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आया हु अबॉलिश स्लेवरी सिस्टम, तो आप क्या लिखोगे? कोई भी नाम लिख सकते हो। अगर तो पर्सन का नाम आएगा तो क्या लिखोगे? मैक्सिमम रॉबेस्पियर। अगर ग्रुप का नाम आएगा तो क्या लिखोगे? जैकोबिन। अगर पार्लियामेंट का नाम आया तो क्या लिखोगे? कन्वेंशन।
आई एम गिविंग यू ऑप्शन, हु अबॉलिश स्लेवरी सिस्टम इन फ्रांस, मैक्समर रॉबेस्पियर, लुई 16 या नेपोलियन बोनापार्ट? मैक्समर रॉबेस्पियर, ठीक है। हु अबॉलिश स्लेवरी, ग्रुप की बात करें, जैकोबिन ग्रुप, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये भी ग्रुप है, ठीक है, या कोई भी आपको ग्रुप आ सकता है, तो ग्रुप का नाम क्या आएगा? जैकोबिन। अगर आएगा पार्लियामेंट, हु अबॉलिश स्लेवरी, नेशनल असेंबली, कन्वेंशन, डायरेक्टरी और ड्यूमा? कन्वेंशन, ड्यूमा रशिया की पार्लियामेंट। कन्वेंशन किसकी पार्लियामेंट? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नेशनल असेंबली किसकी पार्लियामेंट? लुईस 16। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी पार्लियामेंट? डायरेक्टरी। और नेपोलियन बोनापार्ट की पार्लियामेंट थी ही नहीं क्योंकि वो खुद है क्या था? कन्वेंशन, ठीक है, पार्लियामेंट थी ना, पार्लियामेंट का वो तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फाइनली इन विच ईयर स्लेवरी सिस्टम वॉज अब प्रॉपरली, फाइनली इन विच ईयर स्लेवरी सिस्टम वॉज एबॉलिश इन फ्रांस, विच ईयर? 1848, यानी कि फ्रांस में हमेशा के लिए स्लेवरी सिस्टम को कब खत्म किया? ना 1848। और आपको पता है इंडिया में कब खत्म किया था? इंडिया में 1921, इंडिया में खत्म किया 1921, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में भी हमारी कंट्री में लोगों को एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्रांस की हमेशा के लिए कब खत्म किया? 1848 स्लेवरी सिस्टम। ओके, तो मैंने आपको करवाया, इसको अच्छी तरह से चैप्टर को रीड करो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वट एवर आई हैव डिस्कस, तो यू हैव टू रीड द पेजेस थॉरली। नेक्स्ट इज बॉक्स इंफॉर्मेशन इज देयर, एंड हियर इन दिस पार्ट सम लिस्ट ऑफ राइट्स हैव बीन गिवन फॉर वुमेन, और इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। हु रोट? पेज नंबर 20, ओलंपे डी गॉज, वेरी गुड। ओलंपे डी गॉज शी रोट, ये इलीगल था, व्हाई इट वाज इलीगल? बिकॉज मान्या एंड हर्षिता, व्हाट हैपेंड कम हियर? Yes, why it was illegal at that time? Because women rights were not granted. But Olympe de Gouges, she wrote Declaration Rights for Women, and it was the biggest crime at that time. So that's why Robespierre, he guillotined Olympe de Gouges for writing list of Declaration of for Women. और उस time पर हमें Olympe de Gouges की thinking क्या थी? First line से ही आपको पता लगेगा कि वो कितनी revolutionary थी। गुरुपाल सड़क, वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। फर्स्ट लाइन से ही आपको पता लगेगा कि उसकी थिंकिंग कितनी रेवोल्यूशनरी थी, और लेकिन एट दैट टाइम ये जो थिंकिंग थी दैट वॉज नॉट वेलकम बाय द मैन इन द सोसाइटी, एंड शी रोट अ लिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन फॉर राइट फॉर वुमेन, फॉर दैट शी वॉज गिलोटिन। किसने किया गिलोटिन? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उसके अंडर पार्लियामेंट का नाम क्या था? कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आपने ओलंपे डी गॉज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन हु रोट डिक्लेरेशन फॉर राइट्स फॉर वुमेन? अभी मैंने बताया ओलंपे डी गॉज, ठीक है। अब आ जाओ, क्या वुमेन के भी क्लब थे? अगर तो मैन का क्लब था जैकोबिन, यस, मेनी वुमेन क्लब्स वर देयर, बट दीज वर इलीगल्स, बट स्टिल वन फेमस क्लब वॉज देयर, राइट डाउन द नेम, Society of Revolutionary and Republican Women. Society of Revolutionary and Republican Women. This club was very famous and ये represent करता था women को. It means at that time many women they also demanded right to votes. दो बार repeat किया मैंने. Society of Revolutionary and Republican Women. तो अब आपको मैं ये पूछूं कि whether women they participated in revolt? It is yes or no? Yes. Assertion reasoning में कहीं से भी आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, ठीक है? Yes.
नेक्स्ट इज डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी रूल. डायरेक्टरी रूल कंसिस्ट ऑफ 7 लीटर्स, 5 लीटर्स, 2 लीटर्स और 1 लीटर. फाइव डायरेक्टर्स. एंड हाउ मेनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अंडर दीज? टू. इलेक्टेड बाय द पीपल. टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इलेक्टेड बाय द पीपल. बट वाई दिस डायरेक्टरी गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज अ वीक? बिकॉज क्लैशेस अमंग द डायरेक्टर्स. ये बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा ना. क्लैशेस अमंग द डायरेक्टर्स. क्लैशेस हो या मेजोरिटी नहीं हो पाई होगी, कभी भी उनके बीच में कोई भी यूनैनिमस डिसीजन पास नहीं होता होगा. एंड दिस लेड टू वीक कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल एनवायरमेंट इन फ्रांस. एंड दिस लीड टू रूल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. इसका फायदा लिया नेपोलियन बोनापार्ट ने, क्योंकि जिस टाइम कंट्री में डायरेक्टरी रूल था उस टाइम पीरियड में कमांडर ऑफ चीफ कौन था फ्रांस का? नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 16. पेज नंबर 16. बिट्रे ऑफ वंस कंट्री, क्या कहते हैं? बिट्रे ऑफ ट्रीजन. देखो सारे देख रहे हैं, एक वर्ड है ट्रीजन. ट्रीजन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रीजन? बिट्रे करना, धोखा देना. बिट्रेल ऑफ वंस कंट्री और गवर्नमेंट, अपनी ही कंट्री अपनी ही गवर्नमेंट को धोखा देना, दैट इज कॉल्ड बिट्रे और ट्रीजन. ओके, हु वाज चार्ज्ड ट्रीजन इन फ्रांस? व्हाई? बिकॉज ही प्लान्ड सीक्रेट अटैक ऑन हिज ओन कंट्री. हु चार्ज, किसको चार्ज दिया गया था ट्रीजन? हु चार्ज्ड ट्रीजन इन फ्रांस? लुई 16, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. आपको याद है चार कंट्रीज मैंने करवाई थी? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया. इन दोनों कंट्रीज के साथ प्लान किया. बाद में नेशनल असेंबली ने इन्हीं के अगेंस्ट वोटिंग करके वॉर डिक्लेयर कर दी. बाद में ये कंट्रीज हार गई थी, लेकिन इन कंट्रीज, ये ग्रुप पहले इतना था. बाद में इन कंट्रीज ने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ वॉर की, तब इन्होंने किनको ज्वाइन किया? ब्रिटेन और रशिया. एंड दे फॉर्म बिगर ग्रुप. And this was easy for them, and they declared themselves as victorious in the Battle of Waterloo. Okay, so why Louis 16th was charged as treason? Because he planned attack on his own country with Prussia and Austria. Okay, लेकिन जब लोगों को, फ्रांस के लोगों को इसका पता लगा, they revolted against their king, monarchy system. नेशनल असेंबली को जब पता लगा तो नेशनल असेंबली में डिस्कशंस हुई, वोटिंग करवाई गई, और वोटिंग में रिजल्ट क्या निकला कि बजाय कि ये दोनों कंट्रीज फ्रांस पे अटैक करें, दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट दीज टू कंट्रीज. वॉर स्टार्टेड, रेवोल्यूशनरी वॉर हुई, एंड उसमें कौन विनर था? फ्रांस. एंड इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था, दैट वॉज नेशनल एंथम ऑफ मार्सिलेज. एंड ये सबसे पहले कहाँ पे गाया गया? ठीक है, एंड सबसे पहले इसको कंपोज किसने किया? फ्रेंच नेम है, आपको फ्रेंच काफी आ गई होगी अब ना. सैनकुलेट्स, क्या होते हैं सैनकुलेट्स? ओके, ये भी ऑप्शन है. आप देखो ना ऑप्शन, बेस्ट पॉसिबल आंसर. सैनकुलेट्स, दोज हु वोर नी ब्रीचेस, those who without knee breeches, those who without knee. Okay, sandculers, they started which kind of dressing for themselves? Long striped trousers, red cap. So red cap kya symbolize karti thi? Liberty. Ki now they are free from the control of nobles. Symbols bhi aa sakte, identify the symbols aur unka meaning bhi aapko aa sakta. एक ही तो चैप्टर है, एक ही तो चैप्टर है. कितनी देर से हम एक ही चैप्टर तो कर रहे हैं ना. ठीक है, हाँ जी. ऑन विच डेट लुई 16th वाज एग्जीक्यूटेड? 14 जुलाई. बच्चे जब आपको देखो ना एबीसी करवाई जाए तो सारे आंसर आते हैं.
जब सेट टू ए करवाया जाए तो फिर कंफ्यूज हो जाता है। 21st January 1793 21st January 1793 किंग वाज एग्जीक्यूटेड। डू यू थिंक क्वीन वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड? यस। वन मंथ लेटर मैरी एंटोनियो, हाँ जी वेरी गुड, मैरी एंटोनियो शी वाज प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया। बच्चे ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हुआ? टेंशन हो गई कि क्वीन को एग्जीक्यूट क्यों किया? प्लेस था, प्लेस का नेम, ये भी आपको फ्रेंच नेम याद हो गया होगा, डी लॉ। अब आप ये कह सकते हो कि मैं फ्रेंच आ गई थोड़ी बहुत। डी लॉ कॉन्कॉर्ड, पेरिस सिटी में ये प्लेस है, द प्लेस वेयर किंग एंड क्वीन वर एग्जीक्यूटेड, डी लॉ कॉन्कॉर्ड। ठीक है, पता होना चाहिए। यस, पोइट का नेम क्या है? रॉगेटी, वैसे एस साइलेंट होता है, रॉगेट टी भी नहीं बोलते, टी भी नहीं बोलते, रॉगेट ए आइल बनाया था, क्या किया था? ओह माय गॉड, मैंने कहा ही कंपोज नेशनल एंथम, यस रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज जनमन गण। प्रनाउंस नहीं, आपको तो लिखना भी नहीं है, यू हैव टू मार्क रॉगेट ए आइल। ओके, एक और टर्म है फ्रेंच टर्म, क्या था ये? ये भी फ्रेंच रिलीजियस टेक्स्ट, कितना था? वन टेंथ ऑफ ये क्या था? डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे देते थे? वो स्टेपल डाइट थी, स्टेपल का मतलब होता है जो जरूरी होती है। ठीक है, देन सैन क्यूलर्स, क्यूलर्स क्या होती हैं? सैन क्यूलर का पूरा अगर मीनिंग आएगा ना, दोज विदाउट नी ब्रीचेस। सैन क्यूलर का मीनिंग क्या होता है फ्रेंच अगर देखा जाए, इसका मीनिंग क्या होता है? दोज हु आर विदाउट नी ब्रीचेस, जो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते। तो नी ब्रीचेस कौन पहनते थे? नोबल्स पहनते थे। ये अपने आप को नोबल से अलग दिखना चाहते थे, so that's why they started wearing long striped trousers with red cap. जो boys थे वो trouser पहनते थे, girls की same print same होता था पर वो skirts पहनती थी। आपकी book में एक design दिखाया गया उनकी dress का, bagpiper, liberty बच्चे, liberty that they are free from the control of nobles. Okay, rest I will discuss tomorrow. Any doubt?